देश के जाने माने शख्स और उद्योगपति रतन टाटा, उनका 86 साल की उम्र में मुंबई के निजी अस्पताल में निधन हो गया। बेहद शानदार शख्सियत और कई ऐसे उनके अनछुए किस्से जो आज भी किसी के कहने के इंतजार में है। वो 2013 का वो समय था जब वो आगरा आए थे और आगरा में उन्होंने विश्व विख्यात ताजमहल का दीदार किया था। जब वो ताजमहल का दीदार कर रहे थे तो उनको जो गाइड करने वाले थे वो हमारे साथ हैं, मुकुल पांड्या सर। कई दशकों का अनुभव है और अब उनके जो किस्से हैं, उनके साथ उन्होंने क्या बातचीत की, उन्होंने क्या बताया और उन्होंने ताजमहल को देखकर उनका कैसा रिएक्शन था, इस पर चर्चा करने के लिए आज न्यूज 18 लोकल को उन्होंने अपने समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, आप उनके साथ। मुझे वो ऐसे जबरदस्त शख्सियत थे और बहुत ही प्रेम के साथ उन्होंने ताजमहल की विजिट की और कई उन्होंने प्रश्न किए और मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस बात का अफसोस था कि उनकी जो संस्था कंजर्वेशन में काम करती है, उन्होंने एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम भी टाटा ने साइन किया था, वो था ताजमहल कंजर्वेशन, कुछ सरता यानी वो था और वो किसी वजह से चल नहीं पाया। तो उनके साथ एक बैरी साहब थे, उन्होंने पूछा क्या क्या उसमें कुछ प्रगति हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं उसमें कुछ प्रगति। उन्होंने 2 साल तक वो एक बड़ा सेंटर खोलना चाहते थे ईस्ट गेट पे और वेस्ट गेट के अंदर, यहाँ पे कि पर्यटकों का स्वागत हो सके। आप उनके साथ जब वो 2013 में आगरा आए विजिट करने के लिए, ताजमहल घूमा, आप उनके साथ थे, कितना वक्त तक आप उनके साथ थे और ताजमहल जब उन्होंने देखा तब उनका क्या रिएक्शन था, क्या वो सवाल थे जब उन्होंने उस समय पूछे आपसे? वो ताजमहल शायद पहले भी देख चुके थे, पहले भी आ चुके थे और वो वाली जो विजिट थी उसके अंदर वो एक मैक्सिकन उद्योगपति को लेकर अपने साथ आए थे, उन्हीं के लिए आए थे। तो उन्होंने जो उनके साथ जो आए थे उद्योगपति, उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा। तो उन्होंने जो उद्योगपति थे उन्होंने ये कहा कि आई फुल्ली एग्री विद यू, वॉट एवर यू हैड मेंशन्ड इट स्टैंड्स ओवर मच बियॉन्ड दैट। यानी कि जो उन्होंने खूबसूरती का वर्णन किया था रतन टाटा साहब ने अपने उन उद्योगपति जिनको दिखाने के लिए लाए थे, उस वो जो उद्योगपति थे वो बेहद खुश थे, बहुत सहमत। एक सवाल उन्होंने जब पूछा था, जब आपने उनके साथ तस्वीर भी खिंचाई थी तो समय का वहाँ क्या उनका रिएक्शन था, किस तरह का माहौल था? बहुत अच्छा माहौल था, बहुत सारे आगरा के ब्यूरोक्रेट्स थे और पुलिस के ऑफिसर्स थे, सब लोग उनके साथ तस्वीर खिंचवाना चाह रहे थे। तो मैं उनके विजिट ख़त्म हो चुकी थी तो मैं उनके सामने दूसरे सामने खड़ा हुआ था, तो मैं उनकी इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ और मेरे दिमाग में वो है, उन्होंने कहा डॉक्टर पांड्या हाउ अबाउट गेटिंग अ फोटोग्राफ विद यू ताजमहल इन द बैकग्राउंड। तो ये वही तस्वीर है मेरे पास, तो वो तस्वीर में है, वो तस्वीर मेरे फ़ोन में है, क्योंकि वो जब ये न्यूज़ निकली थी तो मेरी पत्नी ने उसको अखबार में से काट के कहीं चिपका लिया था और वो ख़राब दशा में है। तो आप अपने फ़ोन से दर्शकों को तस्वीर अपनी दिखा सकते हैं, अगर आप दिखाना चाहें तो आप फ़ोन में। आप लगभग 70-75 मिनट आप उनके साथ रहे थे? हाँ बिल्कुल, 70 मिनट करीब में उनके साथ रहा था। ये वो तस्वीर है, ये इधर ये रतन टाटा जी हैं और इधर मुकुल पांड्या सर हैं, और बेहद रेयर तस्वीर है। देखिए आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी यादें और उनके कई सारे ऐसे किस्से आज भी लोगों की जुबान और जहन में ताजा हैं। तो ओवरऑल देखा जाए सर, एक ग्रेट पर्सनालिटी इस दुनिया का अलविदा कह गई है। बिल्कुल, मुझे जब मैंने ये खबर सुबह सुनी तो मुझे अंदर से बड़ा दुख हुआ। जबरदस्त फिलंथ्रोपिस्ट थे, इतना समाज के लिए उन्होंने इतना काम किया और उन जैसा उद्योगपति शायद कभी ये देश नहीं देख सकता। एक
चूंकि वो आगरा है, मोहब्बत की निशानी उन्होंने देखी, उनकी खुद की जो मोहब्बत थी, उनकी जो लव स्टोरी थी, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। उन्हें एक मैक्सिकन लड़की से प्रेम था, वो किस्सा कहीं याद है आपको? वो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, पर दैट लव स्टोरी हैड ऑलरेडी शॉर्ट लिव्ड, बड़ी थोड़े समय के लिए थी। वो मैंने पढ़ा है भी। क्या कहना चाहेंगे आज उनके इस समय? मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हम उनकी यादगार हमेशा संजो, उनकी विजिट की यादगार हमेशा संजो करें। देखिए, ये एक छोटा सा किस्सा, जब वो आगरा ताजमहल विजिट पर आए थे और मुकुल पांड्या सर के साथ उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया था और कई सारी यादें उन्होंने गढ़ी थी उस दौरान। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रतन टाटा हजारों लाखों दिलों में आज भी जिंदा रहेंगे। न्यूज 18 लोकल की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि है, ऐसे महान शख्स की इस दुनिया से बाकी में उनकी कमी खलती रहेगी। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज 18 आगरा।